ओके तो ऐसे शुरू करते हैं कि व्हाई आर वी रीडिंग दिस बुक, क्या लगता है? इट्स अ फेमस बुक एंड रिकमेंडेड एज मस्ट रीड बुक इन लीडरशिप. ओके दैट्स अ कंपेलिंग व्हाई, दैट इज नॉट गुड एनफ. नो, इट्स वी आर जस्ट बिल्डिंग अपॉन व्हाई. यस ओके जी. इट विल गिव some site for becoming a good leadership. वाह ओके तो अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया, इट विल गिव अस इनसाइट टू बिकम अ ग्रेट लीडर. ओके वॉट एल्स? और तो इन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए कि जैसे मार्टिन लूथर किंग था, फिर स्टीवन जॉब्स था, जो भी थे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी कंपनी अभी भी इतना अच्छा कर रही है. तो वो एग्जांपल्स से ये बुक हमें ये बताना चाह रही है कि क्या पैटर्न उन्होंने यूज किया, और अगर हम वो पैटर्न यूज करें, व्हेन वी चेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग, एक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, तो ये इंस्पायर करेगी एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी को लाने में भी, और दूसरों को भी इंस्पायर करेगी. तो अभी मैंने यही समझा है. गिल्ट ओके फील द कंपनी, द इकोनॉमी एंड वर्ल्ड अराउंड अस फॉर गेटिंग गुड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी. ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं विच आई लाइक द मोस्ट, विच ओके आर द नॉर्म्स नॉट द एक्सेप्शन. तो एक बार हम फिर से माइंड मैप के थ्रू समझ लेते हैं ताकि हम सबके मन में क्लियर इमेज बने इसकी. जैसा कि कल हमने देखा था कि देर आर सिक्स पार्ट्स इन दिस बुक, तो पार्ट वन क्या है? अब हम रिकॉल टेस्ट का मेथड यूज़ करते हैं. क्या हम रिकॉल कर पा रहे हैं बिना पढ़े, बुक में बिना देखे, पार्ट वन क्या है? और अगर बिना देखे नहीं कर पा रहे हैं तो देख के कर सकते हैं फिर. तो पार्ट वन में उन्होंने बताया है कि जब हम वाई से स्टार्ट नहीं करते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं, एंड अज्यूम करने के बाद हम अपने कैरेट और स्टिक मेथड पे आ जाते हैं, तो विच आर नॉट वेरी साइंटिफिक एंड आर कन्वेंशनल मेथड आर नॉट वेरी साइंटिफिक. तो हम ये मान के चलते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारी जो दुनिया थी अभी तक, या अभी भी जो हमारी दुनिया है, वो वाई से स्टार्ट नहीं होती. हम हर्ड मेंटेलिटी में कई बार आ जाते हैं. हम बस जस्ट फॉलो करते हैं चीज़ों को क्योंकि सब लोग कर रहे हैं मे बी, या कोई चीज़ बस अच्छी है, या हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. तो एक ऐसी दुनिया में या एक ऐसी लाइफ में हम जीते हैं. हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे अ लाइफ दैट डज नॉट स्टार्ट विद वाई, जहाँ वाई की कोई जगह नहीं है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग की कोई जगह नहीं है. सच क्यों कर रहे हैं, बल्कि ऑफेंड हो जाते हैं वाई पूछने पे. क्यों कर रहे हैं? अरे हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, या हमारी कंपनी में तो ऐसे ही होता है, या हमारे तो बड़े बड़े सब लोग ऐसे ही करते थे, आप ये क्यों पूछ रहे हो, आप तो ट्रेटर हो. तो वाई वाई डोंट आस्क वाई. तो एक ऐसा भी एक दुनिया होती है. तो वो जैसा शिखा जी ने बताया, इसमें दो बातें आती हैं. वो एज्यूम करते हैं हर बात को कि ऐसा ही है, वो पूछते नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती. और वो किस तरह की टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, कैरेट एंड स्टिक मैनिपुलेशन. अब जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं वो मैनिपुलेशन यूज़ करती हैं बजाय इसके कि वो हमारी कोर वैल्यूज़ को टच करें. तो मतलब पार्ट वन जो है ये बताता है कि हमारा करंट स्टेटस क्या है, अभी हम किस पॉइंट पर हैं जहाँ पे हमें नहीं रहना है. ठीक है, तो मतलब इतनी भी बात अगर हम समझ लेते हैं ना, भले ही हमने चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा है, तभी भी हमें क्लैरिटी आ जाती है कि बुक किस तरह से आगे बढ़ रही है. बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छा है, और नहीं पढ़ेंगे तो भी इतना से काम काफ़ी चल जाएगा. तो वो कह रहे थे कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव है कि भाई हमें वाई नहीं पूछना है, फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या है?
इसमें क्या है? इसमें इन्होंने गोल्डन सर्कल की बात बताई, तो की बात करूँ कि हमें एक बीच में वाई पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें रुक नहीं जाना है वाई के, हमें साउ और वॉट भी पता होना चाहिए। ये इनका एक आई थिंक बहुत ही कोर फ्रेमवर्क है इस बुक का, और साइमन सिनेक के लीडरशिप का गोल्डन सर्कल, और वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और इसकी डेप्थ पता चलती जाएगी। तो जैसा कि शिखा जी ने बताया कि वाई से शुरू होता है लेकिन हाउ एंड व्हाट पे भी आना ही है, वहाँ रुक नहीं जाना है। चैप्टर 4 क्या है? फैक्ट ये एक साइंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी का पर्सपेक्टिव है या ओपिनियन है। ये साइंस है, क्योंकि वाई कनेक्ट करते हैं वो लिम्बिक ब्रेन से, जो हमारे इमोशंस के संग अटैच्ड है, और इमोशंस के संग जब हम तब अटैच करके काम करते हैं जब हमारा वाई क्लियर होता है, इस तरह से वो बिल्ड करना चाहते हैं इस बात को। इसमें एक ये भी बात है कि जब हम किसी चीज को साइंस बोलते हैं तो इट मींस कि इट विल रिपीट इटसेल्फ, इट इज नॉट दैट इट इज वन ऑफ एवरी सिचुएशन इट विल हैपन लाइक दैट। राइट। फिर फिफ्थ चैप्टर है इनका, क्लैरिटी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। इसमें कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं? मतलब वाई से हमारी क्लैरिटी आती है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला एक आपसे भेजा भी था ना कि क्लैरिटी और एक्शन पहले क्या आता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हिम क्लैरिटी पहले होनी चाहिए। राइट। ओके, पार्ट 3 का क्या नाम है? एनीवन? हाउ टू मेडिटेट, आप कौन सी बुक में चले गए? कल वाली बुक में चले गए आप? लीडर्स नीड अ फॉलोइंग। आप सिल्वा मेथड में चले गए। सो यू आर रेफरिंग टू अनदर बुक। वी आर रीडिंग सम, ये स्टार्ट विद वाई, लीडर्स पार्ट नीड थ्री इज अ फॉलोइंग। लीडर्स नीड अ फॉलोइंग। राइट। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? द इमरजेंसी और इमरजेंसी, ट्रस्ट। ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे आता है? हाउ डू वी ट्रस्ट समवन? तो वही जो इन्होंने इसमें बात बताने की कोशिश करी है कि ट्रस्ट, एक तो फॉलोवर्स चाहिए लीडर्स को। हम बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं बट इफ आई डोंट हैव एनी फॉलोवर्स और नोबडी इज ट्रस्टिंग मी टू फॉलो, देन वॉट लीडर लीड, हाउ कैन आई लीड पीपल। सो फॉर लीडिंग पीपल हमें फॉलोवर्स तो चाहिए, लेकिन वो फॉलोवर्स हमारे पास कब आएंगे, कैसे आएंगे, जब हम एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे उनके साथ। एंड वो ट्रस्ट बिल्ड करने का तरीका है, एक तो वही क्लैरिटी कि हमें अपना वाई पता हो कि हम क्यों कर रहे हैं, तब हम उनके कोर बिलीफ के साथ उसको मैच कर सकते हैं व्हाट एवर वी आर डूइंग, रेडी टू डू व्हाट वी आर। जी जितना हम वैल्यूज पे, जितने हम, जब लीडर खुद वैल्यू शेयर करेगा, वही जब वो खुद लॉयल होगा तो, और वो उसका मतलब अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अगर वो का उसका कथनी करनी एक होगा, लॉयल्टी होगी, तो वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब इसको एक तरह से इंटेग्रिटी भी कह सकते हैं जो आप बात कर रहे हो। इंटीग्रिटी। इंटेग्रिटी में आ गया मतलब हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन हार्मनी में होते हैं। ओके, सेवेंथ चैप्टर। वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ आर टिपिंग पॉइंट टिप्स? तो टिपिंग पॉइंट क्या होता है? टिपिंग पॉइंट काफी जगह यूज होता है। टिपिंग पॉइंट एक थ्रेशोल्ड है जहां तक अगर रीच कर गया देन इट विल स्प्रेड फ्रॉम देयर। तो अगर जैसे इस चैप्टर में भी जो उन्होंने कहने की बात कही है कि अगर कोई चीज हमको क्लैरिटी है, वी आर एबल टू
गिव दैट क्लैरिटी टू द मासेस, देन एक वो पॉइंट कि उस पॉइंट के बाद इट विल स्प्रेड मेजोरिटी के ऊपर, देन इट बिकम्स बेटर एज इन द टिपिंग पॉइंट, वो जो है कि जहाँ पे मेजोरिटी विल एक्सेप्ट इट अडॉप्ट इट, वो आ जाएगा इफ वी आर क्लियर एंड वी आर मोटिवेटेड बाय द क्लियर पर्पस। यस, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टिपिंग पॉइंट क्या है, द क्रिटिकल मास नीडेड फॉर एन आइडिया और मूवमेंट टू गेन वाइड स्प्रेड एडॉप्शन, मतलब उसकी एनर्जी बिल्ड होती रहती है होती रहती है, फिर एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो वाइड स्प्रेड लोगों से एक्सेप्ट कर लेते हैं, टिपिंग पॉइंट आ जाता है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के किसी कॉन्सेप्ट की बात हो या गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात हो, तो टिपिंग पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ओके, फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? हाउ टू रैली दोज हु बिलीव। और इसमें हमारे चैप्टर्स हैं कौन कौन से हैं? स्टार्ट विथ वाई बट नो हाउ। यस, इसमें क्या ऐड कर सकते हैं इस चैप्टर में? इसमें वो बात, हाँ जी, वाई टाइप्स लोग होते हैं जिनके पास विजन होता है, और इसमें हाउ टाइप्स लोग होते हैं जिनके पास प्रोसेस होता है। तो भले ही हम कितने भी बड़े लीडर हों, हमारे पास विजन हो, लेकिन हमें हाउ टाइप्स लोग चाहिए ही चाहिए जो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, नाइन्थ, नो वाई नो हाउ देन वाट, इंटरेस्टिंग नाम है। इसमें क्या है? इसमें जब ऑथर बात करते हैं सैलरी टेस्ट की, मुझे एग्जैक्टली वैसे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कुछ आइडियाज़ का लग गया है, फिर भी कोई आप शेयर करना चाहें तो। एवरी एक्शन प्रोडक्ट शुड सर्व द कोर पर्पस, कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ? तो इसके थ्रू ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, हमें उसमें यही देखना है कि ये करने से, फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्पिरिचुअलिटी में हमारा क्या पर्पज है अल्टीमेट, कि हम अपने ओरिजिनल फॉर्म के नज़दीक आए, राइट? तो वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर एक्शन थॉट्स वर्ड वी आर यूजिंग, क्या वो हमारा सर्व कर रहा है पर्पज, इस तरह से वो इसको लेते हैं। चैप्टर 10, वेरी इंटरेस्टिंग। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग, इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? कंप्रेशन इज लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग। थ्री टाइप्स ऑफ, आई डिडंट रीड दिस बुक, आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू नो व्हाई आई एम टेलिंग दिस। यस 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 यस। तो आपने क्या बताया अभी, क्या बोला? कंपैशनेट लिसनिंग। कंपैशनेट, तो हम इसमें ये डाल देते हैं, टाइप्स ऑफ लिसनिंग। वैसे तो बहुत सारे टाइप, तो एनी टाइप ऑफ लीडरशिप रिक्वायर्स लिसनिंग एज इन मोर ऑफ लिसनिंग एंड मींस कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू लीड। यस, कंपैशनेट लिसनिंग हो गई, एंड एक्टिव लिसनिंग, कोऑपरेटिव लिसनिंग, कोऑपरेटिव लिसनिंग, और एम्पैथेटिक लिसनिंग इसमें होगा। हाँ सर वो लिख लेते हैं।
एम्फेथेटिक लिसनिंग एंड व्हाट एल्स. डीप लिसनिंग। डीप लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग भी आपने बोला, वो भी नोट कर लेते हैं. ऑब्जर्वेशन भी आ सकता है क्या भाई जी? क्या सकता है ऑब्जर्वेशन लिसनिंग। ऑब्जर्वेशन, उसको सपोर्ट कर सकता है अलग से, लेकिन लिसनिंग के टाइप्स में शायद वो नहीं रखेंगे अभी. ठीक है, तो इसमें जैसा कि बताया कि लिसनिंग से ही वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, ऑथेंटिक कनेक्शन बनता है, कनेक्शन बिल्ड होता है. जी, पार्ट फिफ्थ क्या है हमारा? द बिगेस्ट चैलेंजेस द इज कैसे. बिगेस्ट चैलेंजेस इज सक्सेस। क्यों, सक्सेस कैसे हमारे लिए चैलेंज हो सकता है? मेरे हिसाब से जब सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो चुनौतियां कई सारी आती हैं, तो उसका वो किसी भी तरह प्रकार की आ सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है। सक्सेस इटसेल्फ एक चैलेंज है या सक्सेस के रास्ते में चैलेंज है? आई थिंक सक्सेस के रास्ते में चैलेंजेस है। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं सक्सेस बिगेस्ट. के बाद सक्सेस को बनाए रखना इट्स अ बिग थिंग आई थिंक, ओके. है ना। सक्सेसफुल तो बहुत हो जाते हैं, पर उस सक्सेस को कितने टाइम तक वो लोग लेकर चलते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, डायरेक्टली नाम लिए बिना समझने की कोशिश करना. जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे राइज फ्रॉम सम मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, तो उनकी कुछ कोर वैल्यूज होती हैं जिसके आधार पे वो बनी होती हैं पार्टीज. लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, दे केम इन टू पावर, देन दे स्ट्रे अवे फ्रॉम देयर कोर वैल्यूज. तो उनकी सक्सेस ही उनके लिए चैलेंज बन जाती है, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते, उनका वाई फिर डाइल्यूट हो जाता है, फजी हो जाता है. तो जिस राइट। रास्ते पे हम चले थे, जिस बात को लेके हम चले थे, इवन स्पिरिचुअलिटी में जिस पॉइंट को लेके हम आए थे, जिस बात के आधार पे चले थे, वो सब सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी कुछ और हो जाता है. ट्रू। तो कहते हैं नाम मान शान आ जाता है, फिर बहुत सारी बातें. पहले जो वैराग्य था वो अब क्यों नहीं है? तो बिगेस्ट चैलेंज इज सक्सेस. ट्रू। इसी में है नेक्स्ट चैप्टर, स्प्लिट हैपन्स. इसमें क्या हो सकता है? किस बात की स्प्लिट होने की बात हो रही है? तो चलते चलते क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में या इंडिविजुअली लाइफ में, वाई की बजाय व्हाट इम्पोर्टेंट हो जाता है, टेंजिबल आउटकम इम्पोर्टेंट हो जाता है. ये अचीव करना है, ये नंबर अचीव करना है, ये नंबर इम्पोर्टेंट है, ये गोल है. अब मंथली गोल, उसके लिए फिर डेडलाइन सेट होती है. वाई वो क्यों शुरू हुआ था, वो खत्म हो जाता है. राइट.
हाँ जी ओके, लास्ट पार्ट है डिस्कवर वाई। इसमें हमारे चैप्टर्स हैं टू। क्या नाम है इन चैप्टर्स का? हाँ ओरिजिन ऑफ वाई, दूसरा द न्यू कंपटीशन। हाँ, तो जैसे कि इसमें है ऑरिजिन्स ऑफ ए वाई, मतलब कि हमारा हर एक का वाई, मतलब जैसे ऑथर अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं कि उनके लाइफ में वाई कैसे इमर्ज हुआ। तो वाई बहुत तरीके से इमर्ज हो सकता है। वाई बहुत सारी सक्सेस आने के बाद भी जब कोई एम्प्टी फील करता है, एक वॉइड फील करता है लाइफ में, तब भी वाई आ सकता है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? सब कुछ हो गया, ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, फिर भी मैं खाली खाली क्यों हूँ? ट्रू। तो इट्स अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी। तो इस तरह से देख सकते हैं। और जो बहुत बहुत ही सक्सेसफुल दुनिया में लोग हैं, एक्चुअली उनकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी फिर शुरू हो ही जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, देयर इज अ लोनलीनेस एट द टॉप। फाइनली दे उनको लगता है क्या अभी नहीं हुआ इसका, हम क्यों भागे इतना, क्या हुआ? देन दे एंगेज देमसेल्फ इन चैरिटी काइंड ऑफ स्टफ, दे बिल्ड सम राइट। काइंड फाउंडेशंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स। द न्यू कॉम्पिटिशन, न्यू कॉम्पिटिशन क्या है? तो न्यू कंपटीशन में हम कह सकते हैं कि माइंड शिफ्ट होता है, माइंड सेट शिफ्ट होता है, और उसमें टेंजिबल चीज़ों पे इतना जोर नहीं होता उस कंपटीशन में, बल्कि शेयर्ड वैल्यूज़ पे जोर होता है, और हाउ कैन वी मेक दिस प्लानेट अ बेटर प्लेस उस पे होता है, कैसे हम ज़्यादा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं सोसाइटी में, कैसे हम एक बड़ा चेंज ला सकते हैं, वो उस तरह का न्यू कॉम्पिटिशन है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन सम शेयर्ड वैल्यूज़ विच इन अलाइनमेंट विद द ग्लोबल आउटकम्स, ग्लोबल कॉमन्स। हाँ जी, तो वी ट्राई टू कवर, और फिर भी ठीक ठाक कवर कर लिया, मतलब उम्मीद से ज़्यादा हो गया। इसको फर्दर कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? फर्दर किसका क्वेश्चन है ये शिखा जी, किसका है? नहीं, एज इन अभी ये सारे चैप्टर्स हमने देख लिए, मोटे मोटे क्या है, देन अभी इसमें और क्या कर सकते हैं? इसमें हम एक तरह से, एक तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे एक एक चैप्टर हम असाइन कर लें अपने आप को, जितने भी हम लोग हैं, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो उस चैप्टर पे जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो पॉइंट्स इसमें हम ऐड करते जाएं माइंड मैप में फर्दर, तो वो डिस्कस भी होता जाएगा और सबका अंडरस्टैंडिंग कॉमन इसमें आ जाएगा। और अगर हम नहीं मिल पाते हैं डायरेक्टली तो हम वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, वहाँ से उठा के इसको हम अपडेट करके फिर डिस्कस कर सकते हैं। वो भी एक प्रोसेस है कि हम पढ़ते जाएं और शेयर करते जाएं, ताकि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। इस तरह से कुछ हो सकता है, मतलब कलेक्टिव एफर्ट। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो देन एंड देयर हम चैप्टर असाइन कर लें कि अच्छा आप चैप्टर 3 पढ़ रहे हो, आप 4 पढ़ रहे हो, 5 पढ़ रहे हो, और फिर जब हम 25 मिनट के सेशन के बाद बाहर आते हैं तो वो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अच्छा इसमें ये पॉइंट ऐड हो सकता है, इसमें हमने ये पढ़ा, ये अच्छा लगा, इस तरह से। वैसे काफ़ी कुछ कवर हो गया है इसमें, कुछ एग्जाम्पल्स आ सकते हैं इसमें, और
जो उन्होंने स्टोरी शेयर की होंगी वो आ सकती हैं, कुछ वन लाइनर्स आ सकते हैं अच्छे। तो इसमें एक काम करते हैं, ग्रुप में एक पोल शेयर करते हैं कि अभी हम फर्स्ट 6 चैप्टर्स का करते हैं, इसमें टोटल कितने 14 है ना, तो 7 चैप्टर्स का पोल शेयर करते हैं अभी कि आप कौन कौन सा अपने आप को सेल्फ असाइन करते हैं। तो जो चैप्टर जो बंदा ले लेगा वो उसके बारे में शेयर करते रहेंगे 1-2 दिन तक, जितने भी टाइम में आप पढ़ते हो, तो आपकी रीडिंग उस चैप्टर की हो जाएगी और आपकी शेयरिंग हो जाएगी और बाकी सब उससे भी देख के कर सकते हैं। ठीक है आइडिया। जी अश्विनी भाई आप इतना टाइम कैसे निकाल पा रहे हो वहां होके भी, हमें तो टाइम मैं मिलता था इतना भी यही एक्चुअली, सोच रही थी। हमें तो लंच का भी टाइम नहीं मिलता हाँ था हमारा तो लंच ही लेट हो रहा था। 1 बजे का लंच हम 2 बजे करते थे एक्चुअली लंच का टाइम है, मैंने किया नहीं अभी, मैंने सोचा कि ज्वाइन कर लेता हूँ एक बार। ओहो फिर आप सेशन के टाइम पे लंच करेंगे ऐसा नहीं अभी जा रहे हैं, देख लेते हैं जो होगा ठीक है, नहीं तो फिर शाम को ही करेंगे नाश्ता। नहीं नहीं मिल जाएगा लंच तो 2 बजे तक मिल जाता है। हाँ नहीं एक्चुअली नहीं क्या है ना तो कि 1 बजे का मैंने सोचा कि फिर गैप हो जाता है तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैंने कहा कनेक्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत सुनेंगे, क्योंकि अभी मैं कर ही रहा था तो एक कॉल आ रही थी, तो मैंने DND पे किया था तो फिर उनको पिकअप करके बोलना पड़ा कि मैं अभी थोड़ा बैठा हूँ कहीं पे बुक रीडिंग कर रहा हूँ, तो समझते करना पड़ता है। मुझे लगता है आपका वाया कुछ ज्यादा हमसे भी ज्यादा क्लियर हो गया नहीं समझ रहे हैं, वाय बुक ही ऐसी है कि खुद से पूछने आ रहा है कि कई सारे वाय निकल के आ रहे हैं, तो एक एक वाय को पकड़ना पड़ रहा है कि ये यहाँ पे आना है भी एक वाय है, क्यों आए हैं और ये कर रहे हैं ये भी एक वाय है, इतना वाह टाइम निकाल करके आना और फिर कैसे कैसे आना, ये भी आना भी एक पार्ट है क्या, प्ले कर सकते हैं तो ये भी वाय इंटरेस्टिंग, है। अच्छा है, मतलब ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने कल भी ये बात बोला था कि आपका माइंड एनालिटिकल है एंड आई थिंक मतलब यू आर ए काइंड ऑफ पर्सन हु इज वाई टाइप, तो अच्छा है आप इसे प्रिजर्व रख करें और अच्छा है आगे बढ़ें, काफी अच्छा काम कर सकते हैं आप। अभी एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, शुरुआत ही है बहुत सारी चीज़ें, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी जल्दी कैसे होगा या इसमें कितना टाइम लगेगा, ये थोड़ा एक वाय आ गया है बीच में ये हाउ है कैसे होगा जी। देखो वाई क्लियर लेकिन तो, वाई क्लियर है तो हाउ तो हो ही जाएगा। ये फिक्स है कि कहते नहीं भी आएगा तो सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ आगे बढ़ना है तो आगे पीछे नहीं देखना, आगे बढ़ना ही रहना है। अच्छा है, मतलब एज पर माई ऑब्जर्वेशन यू आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस गिवन द सर्कमस्टांसेस, इतना बिजी होते हुए या इतनी सारी चीजें होते हुए, आपकी ट्रेवल भी थोड़ी हो गई है इस मंथ में काफी, साउथ एंड वेस्ट, साउथ इंडिया वेस्ट इंडिया नॉर्थ इंडिया से हाँ अश्विन भाई आप भूल रहे हो आपका साथी कौन है और असिस्टेंट साथी भी कौन है। सो यू हैव लॉट मेनी असिस्टेंट्स, सुप्रीम असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, AI असिस्टेंट। जी ओके जी, और किसी को कोई शेयर करना है बाकी बुक के बारे में या एनीथिंग एल्स? जी मुझे एक चीज़ ये पूछना था, अभी मैं जूम करते समय मैं पोमोडोरो मैंने अपना ओन किया था, लेकिन बार बार मैं ChatGPT में जा रहा था तो समरी करते हुए, तो फिर वो रिसेट हो जा रहा था पोमोडोरो, क्या ऐसे होता है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं होता, हमारे में तो नहीं होता ऐसा। क्योंकि मैंने एक साथ कई स्क्रीन खोले हुए थे मोबाइल में ही, तो ऐसा हो गया, 2 बार रिसेट हो गया फिर वो। ऐसा कभी हो तो बस आई थिंक एक तो फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, कभी कुछ ऐसा बग आ जाता है या कुछ और ऐसे हो सकता है, तो एक आध बार शायद हुआ है मेरे साथ ऐसा मुझे लग रहा है, तो रीस्टार्ट करेंगे या तो वो ऐप को ही रीस्टार्ट कर लो, जस्ट जी पूरा क्लोज करके रीस्टार्ट कर लोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो जो डाटा है वो रिसेट हो जाएगा क्या जो नहीं नहीं इधर नहीं रीसेट कुछ? नहीं करना, रीस्टार्ट बस।
स्टार्ट ओके मतलब कि ऐप क्लोज करके फिर ओपन करना है। तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में रीस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाती है। रात को हम सोते हैं तो आधी प्रॉब्लम भूल जाते हैं अगले दिन। एक्चुअली एक मूवी का आपने जो बोला तो एक मूवी का सीन आ गया है। उस मूवी में ये तकिया कलाम था कि रीस्टार्ट रीस्टार्ट, तो वो अपने ट्वेल्थ आप को फेल, बहुत, हाँ 12th फेल, हाँ तो वो हाँ फोकस करता है खुद को। उसमें सॉन्ग भी है रिस्टार्ट के नाम से। अच्छा ठीक है जी। तो मतलब खुशी की बात है, शिखा जी ने चिंगारी लगाई थी है इस बुक की। 2 दिन में काफी कुछ हमने कर लिया। तो बाकी अंजाम तक पहुंचाएंगे आगे, और सभी शिखा जी भी हेल्प करेंगे इसमें। ठीक है फिर, हम कल पता नहीं मिल पाएंगे या नहीं, थोड़ा सा अनश्योर है, कहीं जाने का है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम जब भी पॉसिबल है, बाकी ग्रुप में हम लोग शेयर करते रहेंगे। ठीक है जी, ऑल राइट। थैंक यू।